इस वीडियो में हम रिपब्लिक डे से रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी देखेंगे। इसमें फर्स्ट वर्ड है झंडा। झंडा को हम इंग्लिश में फ्लैग बोलते हैं, फ्लैग। और नेक्स्ट वर्ड है झंडा फैलाना। झंडा फैलाने को हम अनफर्ल फ्लैग बोलते हैं। और सलामी लेने को हम सैल्यूट बोलते हैं, सैल्यूट में सलामी। तोप को हम कैनन बोलते हैं, कैनन। और भारतीय सेना को हम इंडियन आर्मी बोलते हैं, इंडियन आर्मी। नौसेना को हम नेवी बोलते हैं, नेवी। वायुसेना को हम इंग्लिश में एयर फोर्स बोलते हैं, एयर फोर्स। देशभक्त को हम पैट्रियट बोलते हैं, पैट्रियट मीन्स देशभक्त। और शहीद को हम इंग्लिश में मार्टर बोलते हैं, मार्टर मीन्स शहीद। श्रद्धांजलि देने को हम पे ट्रिब्यूट बोलते हैं, पे ट्रिब्यूट। और लोक नृत्य को हम फोक डांस बोलते हैं, फोक डांस। राष्ट्रगान को हम इंग्लिश में नेशनल एंथम बोलते हैं, नेशनल एंथम। और राष्ट्रगान गाने को हम रिसाइट बोलते हैं, रिसाइट मीन्स राष्ट्रगान। सांस्कृतिक कार्यक्रम को हम कल्चरल प्रोग्राम बोलते हैं, कल्चरल प्रोग्राम। और 21 तोपों की सलामी को 21 कैनन सैल्यूट बोलते हैं। मुख्य अतिथि को हम इंग्लिश में चीफ गेस्ट बोलते हैं, चीफ गेस्ट। और लोकतांत्रिक देश को हम डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री। भीड़ को हम इंग्लिश में मोब या क्राउड बोलते हैं, मोब या क्राउड। और झांकी निकालने को हम इंग्लिश में ग्लिम्स बोलते हैं, ग्लिम्स मीन्स झांकी। संस्कृति को हम इंग्लिश में कल्चर बोलते हैं, कल्चर मीन्स संस्कृति। और परेड को हम इंग्लिश में मार्च बोलते हैं, मार्च मीन्स परेड। और गणतंत्र को हम इंग्लिश में रिपब्लिक बोलते हैं, रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र। और लोकतंत्र को इंग्लिश में हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र। और राजतंत्र को इंग्लिश में हम मोनार्की बोलते हैं, मोनार्की मीन्स राजतंत्र। और अंग्रेज़ों के ज़माने को हम कॉलोनियल ईरा बोलते हैं, कॉलोनियल।